राजीव गांधी नगर है, राजीव गांधी नगर आप मान सकते हो महावीर नगर और विज्ञान नगर के बीच में पड़ता है। अपने इंडिया के अंदर मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, देखो मेरे को लगा था राजीव गांधी नगर में पीजी होंगे लेकिन नहीं थे, इस तरफ में है। ये सारे बच्चे कहाँ गए कोटा के? अब सारे पीजी के बच्चे गए कहाँ? कहाँ छुप के बैठे हो? एरिया होता है राजीव गांधी नगर, ठीक है? तो अभी हम लोग आ जाओ, कोई नहीं मैं बात करता हूँ, चलूंगा ब्लॉग बना रहा था ना। सो अब देखो ये जो एरिया है ना राजीव गांधी नगर है, ये इस तरफ में राजीव गांधी नगर पड़ता है। तो राजीव गांधी नगर में पीजीज एंड हॉस्टल मिक्स है, राइट? ठीक भाई, पीजी और हॉस्टल दोनों पड़ते ना राजीव गांधी नगर। ओके सो देखो अपन लोग शायद इस तरफ गलत ले लिए, अपन को इस तरफ चलना चाहिए, है ना? देखो अभी ये इधर से अपन राजीव गांधी नगर, देखो बेसिकली टिपिकली जिस तरीके से सब बच्चे जानते हैं ना, अपन उल्टा जा रहा है, पीछे जा रहे हैं अपन लोग। सो पीछे अपने जो अभी पीछे की तरफ में है ना वहाँ पे एलएम पड़ता है, और अगर अपन सामने जा रहे हैं तो सामने अभी अपने विज्ञान नगर आएगा, ठीक है? सो ये राजीव गांधी नगर है, राजीव गांधी नगर आप मान सकते हो महावीर नगर और विज्ञान नगर के बीच में पड़ता है। ओके तो देखो सारे के सारे इस तरफ में हॉस्टल्स हैं, अभी जो सारे ना ये हॉस्टल्स है। एंड में तुमको जैसे गलियों में चलेंगे ना अपन, तो वहां पर अपन को पीजीज मिल जाएंगे, चलेगा थोड़ा अगर मैं घूमता हुआ चलूं तो। सो यार इधर गली में पीजीज वगैरह किस तरह पड़ते हैं? अच्छा इस तरफ पीजी नहीं है। ओके स्पॉइलर अलर्ट लॉन्डो, इधर सारे के सारे सिर्फ आपके हॉस्टल है, पीजीज है ही। विज्ञान नगर में टोटली पीजी है। सो मैं विज्ञान नगर सोच रहा हूँ एक्चुअली, क्या थोड़ा सा आगे जाके अपन कवर करेंगे इसको, है ना? या फिर देख लो एक काम करता हूँ, विज्ञान नगर का भी बना लेता हूँ। अगर विज्ञान नगर का ब्लॉग ज्यादा लंबा नहीं होगा ना, तो विज्ञान नगर वाला भी अपन लोग डाल देंगे ब्लॉग के अंदर, ठीक है? भाई यार देखो हमेशा मैं बोलता हूँ, देखो ये ना छोटा सा भी अगर डिस्टेंस कभी कवर करने के लिए जा रहे हो ना, इन भैया के जैसे मत जाना, और वो जो लड़के पीछे अपन को दिखे थे ना बाइक पे उनके जैसे मत जाना, भाई हेलमेट लगा के जाओ। मैं लिटरली तुमको बता रहा हूँ, एक अच्छा हेलमेट लो, क्यों? क्योंकि अपन को पता नहीं यार कि कब अपन को आफत आने वाली है अपने ऊपर। और अभी तुमको एक्चुअल रियलिटी ये है कि गलती हमेशा तुम्हारी हो, इस वजह से एक्सीडेंट नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि गलती तुम्हारी कुछ है नहीं, सामने वाला तुमको ठोक के चल गया, फिर तुम क्या करोगे? तो प्लीज हमें थोड़ा सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखा करो यार, अपने इंडिया के अंदर मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो तुम खुद देख लो भाई, अभी अभी मैं कितने सारे लोग हैं वो बिना हेलमेट के, अंकल के तो बाल भी नहीं है, अंकल के बाल भी नहीं, बाल भी नहीं बचा सकते, कैसे अंकल चलाते हो यार? ये देखो एक बार भैया बिना हेलमेट इधर ही रोकू, ओके ठीक। विज्ञान नगर का एरिया है ना, तो अभी जैसे हम लोग आए कॉमर्स कॉलेज से, तो कॉमर्स कॉलेज से घुसते ही अभी मैं तुमको एक चीज बताऊं, मैं खुद इस एरिया में काफी टाइम तक रहा हूँ, ठीक है? मेरे को लगा था राजीव गांधी नगर में पीजीज होंगे लेकिन नहीं थे, इस तरफ में है पीजीज। तो इस तरफ के जो पीजीज है ना ये थोड़े से महंगे होते हैं, थोड़े से एज कम्पेयर टू जो दूसरा भी मैं एक और साइड बताऊंगा ना उधर से। तो अब देखते हैं अगर कोई ऐसा लड़का यहाँ पे मिल जाता है ना तो हम लोग उससे पूछते हैं। तो थोड़ा काम वाम चल रहा है इधर, अरे पूरा ग्रुप मिल गया। एक्सक्यूज मी, आप लोग क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स हो क्या? ओके सो यहाँ पे आप हॉस्टल में रह रहे हो या पीजी में रह रहे हो? घर है। हाँ अच्छा घर है तो ओके सॉरी। एक बंदा है उसको शाउट आउट दे रहा हूँ मैं इस वाले में, भाई वो हमेशा है ना आई लव यू सॉरी लव यू फ्रॉम कश्मीर, लव फ्रॉम कश्मीर ऐसा भेजता है। तुम बताए ये जैसे
छोटे छोटे, अब देखो इस तरफ चलता है अपन, ये पीजीज वगैरह है सब, है ना, बाहर अभी तो कोई हमको स्टूडेंट मिला नहीं, अभी इस तरफ में अगर मिलता है तो देखते हैं। यार गलियां खाली पड़ी है भाई, गलियां ही खाली पड़ी है। देखो यार मैं स्पीडिंग करता नहीं हूँ, कभी कभी थोड़ी थोड़ी स्पीडिंग में कर लेता हूँ, थोड़ी सी मन को शांत करने के लिए बस अपने। सारे बच्चे कहाँ गए कोटे के, अब सारे पीजी के बच्चे गए कहाँ छुप के बैठे हो। वैसे गलती मेरी है, मैं टाइम पे ऐसे निकला हूँ, दोपहर का टाइम हो रहा है अभी, तो बच्चे क्या होते हैं अंदर ही रहते हैं, गर्मी में कौन बाहर निकलेगा। और तुमको सही बात बता रहा हूँ भाई, कोटा के अंदर मैंने एकदम एक स्नैप के अंदर में ऐसा चेंज हुआ ना क्लाइमेट कि क्या बताऊँ तुमको। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ के लोकल हो या फिर पीजी में स्टूडेंट हो? ओके सो यहाँ पर अभी कौन सी कोचिंग में? अन अकेडमी में। एंड इस एरिया का एवरेज रेंट कितना पड़ जाता है? अलग अलग डिपेंड है यार, लगभग 4,500-4,500 पड़ जाता है। 4,500-4,500, तो मतलब 4,000 मिनिमम, 4,500 इससे भी ऊपर जा सकता है। हाँ, रूम के हिसाब की बात है। ओके एंड इसके अंदर में 4,500-4,500 वाले होते हैं, उनके अंदर एसी मिलता है या फिर कूलर मिलता है? डिपेंड करता है यार, क्या प्रेफर करते हो। छोटा रूम है उसमें एसी लगा है तो उसका रेंट ज्यादा होगा, बड़ा रूम है उसमें कूलर लगा है तो उसका रेंट। अभी आप कितना पे कर रहे हो यहाँ पे? मैं 4,300। 4,300। और मेस का? उसका यार अलग अलग मेस का अलग अलग चार्ज है, मेरा 3.5 बैठता है। 3.5 रहता है। ओके, इससे ज्यादा भी होती है 3.5 से? 3.5 से ज्यादा भी होते हैं। ओके थैंक यू सो मच। बंदे से बात करके ऐसा लगा कि मानो सोते हुए को उठा दिया। अच्छा देखो, तो इस एरिया में है ना, तो ये थोड़े से ना महंगे महंगे रूम, ठीक है। अभी तुमको अगर सस्ते रूम चाहिए ना, सस्ते रूम तो तुमको बताता हूँ, देखो किधर है। अभी देखो ये विज्ञान नगर का मार्केट एरिया पड़ता है, ठीक है। तो इस तरफ में विज्ञान नगर के जो भी सारे मार्केट्स है ना, वो इस तरफ में, कपड़े लेने हैं तुमको, हीटिंग रॉड वगैरह लेनी है, अपनी जरूरत की कोई भी चीज लेनी है ना, तो वो तुमको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये जो सामने देख रहे हो ना, तो ब्रिजवास से मिष्ठान भंडार और सोनू कोल्ड ड्रिंक एंड बेकरी, ये विज्ञान नगर की तुम मान लो लैंडमार्क से है। तुम किसी से भी पूछोगे ना, ये तुमको बता देंगे सोनू कोल्ड ड्रिंक कहाँ पर है भैया, ये इधर आने। तो देखो सोनू कोल्ड ड्रिंक से जो विज्ञान नगर में अंदर की तरफ में रोड जा रहा है ना, हम लोग इस तरफ में, ठीक है ना। तो तुम जैसे देख सकते हो भाई, इंदिरा कॉलोनी के मुकाबले में यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, बस फर्क ये है कि तुमको थोड़ा सा दूर आना पड़ता है अपने कोचिंग से। अगर साइकिल है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पैदल जाते हो तो वो तुम्हारे लिए इंदिरा कॉलोनी ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे तुमको आकाश वगैरह इन सबका मिल जाएगा। सो अब देखो ये जो एरिया है ना, ये पड़ता है मयंक स्कूल के पास में, ठीक है। याद रखना, मयंक स्कूल या फिर जैन मंदिर के पास में ये एरिया पड़ता है। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कम रेंट है, ठीक है ना। अभी देखते देखो यहाँ पर अगर हमको कोई स्टूडेंट मिल जाए तो हम उनसे पूछते हैं। भैया ने भिगवा दिया। ओके ये मिल गया भैया, फिजिक्स वाला था, इससे पूछते हैं। ओके एक्सक्यूज मी, एक मिनट रुकना यार। सो आप इसी एरिया में रहते हो, पीजी में रहते हो या फिर क्या है? क्या रेंट है यहाँ पे एवरेज पीजी का? 3,000 रुपये। ओके, और इसमें कूलर है या एसी है?
खाली पंखा है और अगर कूलर लगवाना तो कितना करीब लग जाता है कूलर का? पाँच सौ रुपये। और मेस का कितना पड़ जाता है? 3500 रुपये। ओके थैंक यू। भाई बड़ा उदास था यार, क्या बात है, साइड साइड में बात करे, कम से कम कैमरा की तरफ तो देख लेते यार। खैर कोई बात नहीं, अपना अपना हुआ है। तो अब देखो ये जो है ना जैन मंदिर यहाँ पे खत्म होता है, ओके जैन मंदिर इधर खत्म होता है। एंड अभी यहाँ पर, अभी ये जो गली है ना यहाँ पर भी तुम लोग पीजी मिल जाएंगे, तुमको इजीली पीजी मिल जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है तो अभी तुमको देखो एक एरिया बताता हूँ। देखो जैसे ये एक घर है, काफी अच्छा लग रहा है, ये वाला घर काफी अच्छा लग रहा है, दोनों ही घर काफी अच्छे लग रहे हैं। भाई ये है 3/27 और इधर देखो ये जो है ना, इधर सामने तुमको दिख रहा होगा मस्जिद की मीनार है, फिर मस्जिद चौराहे से सीधा अंदर की तरफ में आते हैं ना तो ये एरिया है, और सामने की तरफ में। तो वैसे लॉन्डो देखो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो आई होप तुमको अच्छा लगा होगा वीडियो देख के, और टूर कैसा लगा मेरे को बताना। इस तरीके के और वीडियोस हो तो कमेंट में मेरे को प्लीज़ बताना कि मैं ताकि इस तरीके और वीडियोस बनाऊँ। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना अगर अभी तक करा नहीं।